ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया पार्लियामेंट में। कौन खोलकर बताया कि ट्रिपल तलाक का कानून जो नरेंद्र मोदी बना रहे हैं वो भारत के संविधान के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी बड़ा दावा किए कि मैं मुस्लिम, महिलाएं मेरी बहनें हैं, मैं अपनी बहनों को इंसाफ दिलाना चाह रहा हूं। किसके पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि भारत में यकीनन महिलाओं से नाइंसाफी होती है, मगर नाइंसाफी उन लोगों से भी होती है जो शादी कर अपनी बीवी को छोड़ देते और अपने घर में नहीं रही। मैंने फिगर्स पेश किए हुकूमत के, भारत सरकार को कहते हैं कि 33 लाख से ज्यादा ऐसे महिलाएं शादीशुदा हैं, जो शादीशुदा है मगर अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड, अपने शौहर के साथ नहीं रहते। जब ये सवाल किया तो बीजेपी चढ़ा हुआ बोले बोले कैसे उसको संविधान के खिलाफ कर रहे। मैंने उनको याद दिलाया कि सुनो, तुम बड़ी मोहब्बत की बातें कर रहे हो, मेरी गुजरात की भाभी का क्या होगा बताओ। क्या बात है, तो फौरन गुस्से में आ गए। आप बताइए खुलकर क्यों नहीं बोलते भारत की पार्लियामेंट में, हमने संविधान को सामने रखकर ट्रिपल तलाक का कानून औरतों पर और जुल्म करेगा, वो छोड़ देगा अपनी बीवी को और भाग जाएगा। वैसे ही हो रहा है आजकल, ऐसे ही हो रहा है आजकल, और मजीद जुल्म हो रहा है हमारी बहनों के ऊपर क्योंकि कानून मोदी बनाए और ऐसा कानून